नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। आज की यात्रा में दोस्तों हम आप लोगों को धर्मनगरी चित्रकूट के सुंदर जंगलों का अवलोकन करवाने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि धर्मनगरी चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली रही है और अपने वनवास काल के समय भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 12 वर्ष यहीं पर बिताए थे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम आप लोगों को चित्रकूट के जंगल के सुंदर वादियों का नज़ारा दिखाते हैं। तो आइए अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं दोस्तों और लेकर चलते हैं जंगल की सुंदर वादियों का अवलोकन करवाते हैं। तो यहाँ से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, नीले गगन के नीचे हरे भरे वृक्षों से सजे ये सुंदर जंगल अनायास मन को आकर्षित करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और इस तरह करके हम आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों को चित्रकूट के समस्त सुंदर जंगलों का अवलोकन करवाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के समय 12 वर्ष इन्हीं सुंदर जंगलों में बिताए थे। तब से इन सुंदर जंगलों का महत्व धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में ज़्यादातर अमल में रहा है और इन जंगलों की सुंदरता भी ऐसी है कि जो धर्मनगरी चित्रकूट की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना सुंदर जंगल है और जंगल का जो सुंदर नज़ारा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि नीले बादल के नीचे जो हरे भरे वृक्ष दिख रहे हैं वो अनायास मन को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि यह जंगल जो है पर्यटकों के और जो दूर दराज से पर्यटक सैलानी आते हैं उनके आकर्षण का केंद्र बनता है और यहाँ पर लोग बाग ज़्यादातर इन जंगलों की सुंदरता को देखने भी आते हैं। जैसा कि धार्मिक पौराणिक स्थान तो यह है ही, धार्मिक पौराणिक स्थल देखने के साथ साथ ही इन सुंदर जंगल की वादियों का अवलोकन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं दूर दराज से आए हुए सैलानी और पर्यटक। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इतना सुंदर और इतना मनमोहक, इतना आकर्षक नज़ारा है इन सुंदर जंगलों का, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं वैसे ही व्याख्यान नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये आप तस्वीरों में देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी फिल्म सिटी से कम नहीं चित्रकूट के जंगल। और चित्रकूट के जंगलों की अगर बात करें तो कभी यह दस्युओं का छिपने का केंद्र हुआ करता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ यहां से जैसे ही दस्युओं और बदमाशों का सफाया हुआ तब से चित्रकूट के स्वच्छंद जंगल स्वतंत्र हुए और आज यह पूरी तरह से सुरक्षित स्थान है और यहाँ पर दूर दराज से सैलानी पर्यटक आते हैं, जैसे कि अलग अलग राज्यों से, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं और इन सुंदर वादियों में अपने आप को मंत्रमुग्ध पाते हैं और इनका चित्रण करते हैं, इनकी तस्वीरें खींचते हैं, लेकर जाते हैं अपने देश में दिखाते हैं कि ये आप देखिए, यह है भारत की धर्मनगरी चित्रकूट के सुंदर जंगलों का नज़ारा। और वैसे भी दोस्तों बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही आकर्षक है धर्मनगरी चित्रकूट के जंगल। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो हरी हरी घासें हैं, हरे हरे वृक्ष हैं, वो अनायास मन को आकर्षित करते हैं। ऊंची नीची जो खाई हैं, यानी कि कहीं पहाड़ ऊंचा है तो कहीं नीचा है, जो कि मन को लुभाता है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ नज़ारा है। आप जब कभी चित्रकूट आएँ तो मार्च, सितंबर और नवंबर में विजिट करें, तब आपको जंगल की सुंदर वादियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। यानी कि हरे भरे वृक्ष, यानी कि जंगल पूरी तरह से हरा भरा दिखेगा, तब आप लोगों को ज़्यादा ही खूबसूरती दिखेगी चित्रकूट के जंगलों में, जैसा कि इस वक्त आप हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और ये आप देख लीजिए कि बहुत ही मनमोहक नज़ारा है दोस्तों। और कभी आएँ आप लोग चित्रकूट तो एक बार ज़रूर पूरे पहाड़ी का अवलोकन करें और घूमें, अनायास आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना सुंदर नज़ारा है धर्मनगरी चित्रकूट के जंगलों का। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा संध्या होने वाली है, यानी कि सूर्य धीरे धीरे ढलने की कगार पर है, यानी कि अभी 3:30 बज रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिन छोटा हो रहा है, तो दिन छोटे होने के साथ साथ जो है सूर्य भी जल्दी से डूबने की कगार में आ जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी धूप थोड़ी सी जो है पीली हो चुकी है और फिर भी मैं आप लोगों को चित्र दिखा रहा हूँ सुंदर जंगलों का। ये आप देख सकते हैं काफ़ी मनमोहक नज़ारा है दोस्तों। और जो पहाड़ों की ऊंची नीची चोटी है, कहीं पर पहाड़ ऊंचा है कहीं नीचा है, वह और ज़्यादा मन को आकर्षित करता है। ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एक तरफ ऊँचा पहाड़ है और इधर ऊँचा है, बीच में खाली है। यानी कि जिस तरह से आप ख्वाबों में तस्वीरें बनाते हैं या
जब आप पढ़ते रहोगे उस समय आप चित्रण करते हैं, पहाड़ियों का सुंदर चित्र बनाते हैं, बिल्कुल वही नज़ारा आज मैं आप लोगों को जीती जागती तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और एक बाइक के माध्यम से यह संभव हो पाया दोस्तों कि मैं आप लोगों को, जैसा कि बहुत सारी वीडियो मैंने धर्मनगरी चित्रकूट के आप लोगों को दिखाए, जिसमें कि राम घाट और कामतानाथ स्वामी के परिक्रमा परिषद का अवलोकन करवाया, उनके मंदिर का अवलोकन करवाया, सती अनुसुईया, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, सीता रसोई और भरतपुर, इस तरह करके जितने भी धार्मिक और पौराणिक स्थल थे चित्रकूट के, उन सारे स्थलों का अवलोकन हमने आपको करवाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप पीछे जाकर जो है तमाम वीडियो पड़े हैं, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप विजिट करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और सारे के सारे वीडियो धर्मनगरी चित्रकूट के ही हैं, और जितने भी धर्मनगरी चित्रकूट के धार्मिक और पौराणिक स्थल हैं उन सारे स्थलों का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर आप जाकर देखें। और इस वक्त तो मैं आप लोगों को धर्मनगरी चित्रकूट की जंगल की सुंदर वादियों का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही विलक्षण नज़ारा है। और इस समय ढलते सूर्य की जो किरण, पीली पीली किरण जो इस वक्त पहाड़ियों पर पड़ रही है, तो वो और ज़्यादा सुंदरता में चार चांद लगा रही है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है दोस्तों धर्मनगरी चित्रकूट का। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों को धर्मनगरी चित्रकूट के जंगलों का नज़ारा कैसा लगा। और यहाँ पे आप बंदर देखें, बंदर निकल गए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और वैसे भी दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि धर्मनगरी चित्रकूट बंदरों की वजह से भी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है, यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। और बंदरों की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर काले मुंह वाले बंदर भी पाए जाते हैं और लाल मुंह वाले बंदर भी पाए जाते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर लाल मुंह वाले बंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और उनमें भी एक बड़ी खासियत है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि उनका एक बॉर्डर होता है, यानी कि यूपी के बंदर और एमपी के बंदर, अगर कोई किसी के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनमें जमकर झगड़ा भी होता है। तो अभी आप इन जंगल की सुंदर वादियों का नज़ारा देख रहे हैं, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से पहाड़ी थोड़ी सी खत्म हो रही है और अभी आगे फिर से पहाड़ी मिलेगी। तो हम आप लोगों को आज इस तरह करके पूरे के पूरे जंगल का नज़ारा दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों। और ये जंगल भी कहीं ना कहीं धर्मनगरी चित्रकूट की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, और इनकी वजह से भी धर्मनगरी चित्रकूट हमेशा से, और बता दें दोस्तों कि चित्रकूट के जंगलों में रीछ भी पाए जाते हैं, रीछ यानी कि जिन्हें स्थानीय लोग रीछ बोलते हैं, हम लोग उनको भालू बोलते हैं, यानी कि भालू भी इन जंगलों में पाए जाते हैं, और भालुओं की वजह से भी काफ़ी यहाँ का दहशत वाला माहौल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि